हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी। भाई, आलू बैंगन की सब्जी सारे लोग बनाते हैं, बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है। मेरे को आलू बैंगन की सब्जी पसंद है, बट जो उसका लेवल है वो मीडियम पे है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, उसमें से आलू आलू निकाल के खा लेती हूँ, और जो बैंगन की सब्जी है वो मुझे बैंगन है वो छोड़ देती हूँ। तो लेकिन जब मैंने दूसरी तरह से बनाना शुरू किया, तो आई जस्ट रियलाइज कि इट्स मोर ऑफ लाइक जो बैंगन है वो अलग अलग नहीं दिखता है, विच इज गुड एंड आई कैन एक्चुअली ईट इट। तो अगर आप भी मेरी तरह है तो आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब मैं शिमला में रहती थी और आलू बैंगन की सब्जी बनाती थी, तो कढ़ाई में बनाती थी, तो होता क्या था कि जो है आलू जो है कच्चे रह जाते थे, बैंगन पक जाते थे ना। वाज लाइक यार ये क्या है। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसा से हो रहा है। मम्मी ने एक बहुत छोटी सी ट्रिक मेरे साथ शेयर करी, तो आज वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि आलू की सब्जी हम कैसे बनाएं, आलू बैंगन की सब्जी हम कैसे बनाएं कि वो जो है अच्छे से पक भी जाओ बहुत झटपट तरीके से। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, आइए देखते हैं कि आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और उसको फटाक से बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो आलू बैंगन सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज बैंगन लिए हुए हैं, और जो बैंगन है वो हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लंबे लंबे हमने क्यूब्स में काट लिया है। और जब आप बैंगन काटे तो ध्यान रखें एक बर्तन में पानी रख लें और उसी में काटे, वरना जो आपका बैंगन है वो काला हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके अलावा हमने तीन मीडियम साइज आलू लिए हैं, ये भी हमने पानी में डाला हुआ है और ये हमने क्यूब्स में काट लिए हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे तीन टमाटर मीडियम साइज लिए हुए हैं, ये हमने चॉप कर लिए हैं। दो मीडियम साइज प्याज लिया हुआ है, ये भी हमने चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पे 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था और वो भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हुई है, ये भी हमने बारीक चॉप कर ली है। हमने यहाँ पे एक बड़ी हरी मिर्च ली हुई है, वो भी हमने बारीक चॉप कर ली है। और यहाँ पे हमने एक स्पेशल मसाला यूज किया हुआ है, ये है MDH का किचन किंग मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मुझे लगता है इसको डाल के जो सब्जी है बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप यूज करें ना करें आपकी आपकी विश है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ले रखी है हल्दी, जीरा, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हींग। जो सब्जी है हम इसको कुकर में बनाएंगे एग्जैक्टली, तो बहुत ही जल्दी बनती है कुकर में ये। और यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सरसों के तेल में बनाने से सब्जी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है, और इसको एक बार हमने अच्छे से गर्म कर लिया था सो दैट कि एक बार धुआं निकल जाए। तो धुआं निकलने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं, ये थोड़ा सा तेल पहले बहुत गाढ़ा होता, पतला हो गया है, और उसकी जो महक होती है सरसों के तेल की वो भी निकल जाती है। तो इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, और इसके साथ हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और हम इसमें डाल देंगे लहसुन। और कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें इसलिए डाली है, इससे क्या है कलर बहुत बढ़िया आ जाता है, और साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है ये भुन चुका है, और इसमें हम जो है अपना प्याज डाल देते हैं, और इसको हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और जो गैस की जो फ्लेम है वो हमने जो है स्लो मीडियम रखी हुई है, और जैसे कि कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है बिल्कुल, तो इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है, और हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला ये हमने 1/4 डाला है क्योंकि हम अदरक हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, और हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली हुई है तो ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए। साथ ही साथ ये किचन किंग मसाला, और इन सब को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे सो दैट कि जो मसाले हैं वो प्याज के साथ अच्छे से भुन जाए। तो ये हमारे मसाले भुन चुके हैं, और इसमें जो ये टमाटर है ये हम डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद
इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल मशीन ना हो जाए, प्याज के साथ मिक्स ना हो जाए और तब तक तेल ना छोड़ने लग जाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें जो ये हमारे बैंगन है ये हम डाल देते हैं और इसके साथ साथ हम आलू भी डाल देते हैं और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। और ध्यान रखिएगा कि जब हम प्याज भून रहे थे हमने तब भी नमक डाला था। तो और इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्ची अपनी और अदरक। तो ये हम ऊपर से ही डालेंगे मसालों, जब प्याज और टमाटर जब हम मिक्स कर रहे हैं हम उसमें नहीं डालेंगे, ये हम ऊपर से ही डालेंगे क्योंकि ऊपर से डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये मेरी मम्मी बोलती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी सब्जी है ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसमें हम ज़्यादा नहीं, हम इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको फिर से मिक्स करके कुकर बंद कर देंगे। और भाई अदरक डालने में कंजूसी नहीं करिएगा क्योंकि आलू बैंगन में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में क्योंकि बैंगन की जो नेचर, बैंगन का जो नेचर होता है वो बादी करने का होता है, तो जो हींग और जो हमने अदरक डाली है उससे जो है बाई नहीं होगी और या बादी जो कहते हैं वो नहीं होगी। और इसको अब हम लगा देते हैं ढक्कन। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया है और जो गैस है ये हमने हाई पे कर दी है और इसको हम तकरीबन 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो हमारी गैस जो है हमने बंद कर दी है और अब इसको हम तब तक वेट करेंगे जब तक इसका जो प्रेशर है वो रिलीज ना हो जाए। तो ये प्रेशर रिलीज हो चुका था और इसको हम खोल लेते हैं। तो वाह जी वाह, ये सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी अभी पनीली है तो हम गैस ऑन करके इसको, इसका पानी थोड़ा सा सुखा लेंगे। तो इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको एक बार चला लेंगे और ये जो सब्जी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो हमारी आलू बैंगन की जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी थी ये देखिए, और इसको हमने धनिया से गार्निश कर दिया और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है गर्मा गर्म। तो भाई अब बारी है टेस्टिंग की। और जो ये आलू बैंगन की सब्जी है आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। एंड अगेन वन मोर थिंग, मुझे आलू बैंगन की सब्जी चावल के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते होंगे क्या क्या डेडली कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके, तो कढ़ी चावल और आलू बैंगन, वाह जी वाह क्या कहने। तो लेट्स टेस्ट दिस। और जैसे कि देखा कि बहुत झटपट तरीके से बन जाती है तो आप कहना ईट दिस नाउ। गरम है, बहुत ही टेस्टी बनी है, लाजवाब मजा आ गया जी। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं कि घर में अगर बैगन रखे हैं, आलू रखे हैं तो आलू बैगन की सब्जी बनाइए वो भी झटपट तरीके से। और अपने जो कमेंट्स हैं वो शेयर करना ना भूलें बिकॉज आई लव रीडिंग देम। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी जो आने वाली वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।